जी जनाब, वन सिंगर वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आज हमारे साथ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, एक बेहतरीन अफसाना निगार हैं। अफसाना निगारी हम किस तरह से करते हैं, क्या हमारे अंदर एक्सपोज हो रहा होता है, हम किस तरह से सोच रहे होते हैं, दुनिया को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये बड़ा एक मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। वो भी एक आर्टिस्ट होते हैं, उनकी भी दुनिया एक बड़ी मुख्तलिफ अंदाज़ में होती है क्योंकि उनके देखने का नज़रिया बड़ा डिफरेंट होता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह के लोगों से बातचीत करने के लिए। और फिर मज़े की बात यह है कि वो कराची से आई हैं हमारी जो मेहमान हैं, और कराची से अपना अपनापन भी महसूस होता है क्योंकि मैं खुद कराची से हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें वेलकम करते हैं और उनके इस सफ़र के बारे में हम बात करते हैं कि जो अफसाना निगारी है उन्होंने क्यों आगाज़ किया उसका, और सिर्फ अफसाना निगारी को ही क्यों चूज़ किया अपने प्रोफेशन के तौर पर, और क्या ख़ास बात है उनकी इस काम के अंदर, और अदब को वो किस तरह से आजकल देखती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नगमाना शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया जी तशरीफ लाने के लिए। और भी बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। प्लेजर प्लेजर। अच्छा जी, सबसे पहले वही सवाल कि इस करियर का आगाज जो आपने किया वो कब किया और क्यों किया? इस करियर का आगाज असल में किया तो वैसे एक नॉर्मल सा जवाब होता है, और हकीकत में क्लास 8 में एक अफसाना लिखा था। अच्छा। उसके बाद फिर भूल भाल गई, वो पढ़ाई शुरू हो गई होगी। ठीक है। मगर मैं बेसिकली सहाफ़ी भी हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हमारे यहाँ कोई नहीं जानता, या शायद नॉलेज कम है, जो सहाफ़ी होता है वो बहुत हसास होता है। बिल्कुल। एक सहाफ़ी के अंदर एक शायर भी बैठा होता है और एक अफसाना निगार, एक नॉवल निगार, सारे बैठे होते हैं। सब होते हैं। हाँ, वो सब कुछ देख रहा होता है। तो उस सहाफत के शोबे से मुंसलिक होके मुझे बहुत सारी अपने इर्द गिर्द कहानियाँ नजर आईं। मेरी इब्तिदा शायरी से हुई थी मगर मैं उसको आगे नहीं लाना चाह रही थी। अच्छा, मतलब वाकई फिर एक, अगर आप सहाफ़ी की बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल से शायर भी थी और आपने वो भी, लेकिन उसको एज अ प्रोफेशन आप लेकर आगे नहीं आई ना, अफसाना निगारी को आपने ज्यादा तरजीह दी। जी बिल्कुल सही। बल्कि अफसाना निगारी की ये मैंने जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास इतनी कहानियाँ, हमारे माशरे में इतनी कहानियाँ हैं कि ख़वातीन के हवाले से, कुछ मर्दों के हवाले से, जो नफ्सियाती नहीं लगती मगर नफ्सियाती होती हैं, जिनको हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना भाई, मतलब अगर मैंने एक औरत जुल्म सह रही है या एक मर्द कुछ अलग से हरकतें कर रहा है, तुम कहते हैं यार बावला है या हम जो कुछ भी कहते, मगर उसके पीछे कहानी होती है। सही। तो फिर मेरा अपना तजस्सुस हुआ कि मैं ये जो छोड़ दी है तो हर कोई फील्ड बहुत सारे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए अगर नगमाना जी, कि हर जैसे राइटर होता है या अफसाना निगार होता है वो इतने दुखी ही जो चीजें सामने हो रही होती हैं और मौजूआत होते हैं उन्हें ही क्यों देखता है और नोटिस करता है? हाँ। दुनिया में और भी चीजें भी तो साथ चल रही होती है। नहीं, बस आप बिल्कुल सही कहा, बल्कि आप शायरी को देख रही, शायरी तो बहुत ही दर्दीली होती है। बिल्कुल। और या महबूब से हारी होती है। आपको कुछ अच्छी चीजें नजर नहीं आई? नहीं नहीं, मेरे जो अफसाने हैं समाज में उसमें अच्छी चीजें, देखिए समाज भी अच्छा है, हमें तो उसमें से चूज करना होता है कि एक बहुत अच्छी सी चीज के अंदर कहीं कोई ऐसी चीज है कि वो दुखी है, या जैसे मैंने आपसे कहा कि सहाफत जो है होता है, इस वजह से आपको वो दुखी चीजें ज्यादा करती है, हिट करती हैं, वही चीज अट्रैक्ट करती है, वही उसी तरह हम जा रहे होते हैं। कि अगर एक मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर एक औरत, एक मतलब शादी ब्याह का है मंजर और एक खातून है या मतलब किसी भी उम्र की हो, वो खामोश क्यों बैठी है? अच्छा, आपको वो रोना जो औरत खामोश बैठी, मुझे वो ढोलक नजर नहीं आ रही होगी, या मैं ढोलक इंजॉय करके उसके बाद जरूर जाऊंगी कि आखिर मसला क्या है, मसला क्या है। तो ये तजस्सुस भी है, इसको कह सकते हैं। ये शायद मैं शुरू से एक कुछ थोड़ा सा बागियाना जहन भी रखती हूँ, मगर बस वही वाली बात है, आपकी पर्सनालिटी इस तरह की थी कि आपने इन, अच्छा मोस्टली जो टॉपिक्स है वो आपके किस पर बेस्ड होते हैं, ख्वातीन पर, या जैसे अभी आप कह रहे थे कि मिक्स है मर्दों पे भी? हाँ, आप मिक्स करती है, मेरे टॉपिक जो ज्यादातर ख्वातीन पे हैं, एक दो उन ख्वातीन पर हैं जिनके साथ ना होने वाला जुल्म होता है। देखिए ज़हनी टॉर्चर जो होता है वो भी कत्ल के बराबर होता है मेरे नजदीक, ठीक है ना? तो मैं उस चीज को लेके चली हूँ। सही। उसमें मर्द भी शामिल है, मैं मर्दों को बुरा नहीं कह रही, मालिक अगर शायद कोई समझे, किसी ने कहा था कि शायद मैं औरतों हुकूक जिस्मा के अलमबरदार हूँ, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं मर्दों को भी उसी तरह देखती हूँ। तो उसमें असल में जो अफसाने लिखने में
कोई ना कोई आपका साथ देता है या बिल्कुल माहौल बनता है सही, तो वो इसलिए अफसाने की जरूरत है सही। अच्छा, शुरू से लेकर जब आपके सफर का आगाज हुआ और अब तक आपको कोई मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा या फिर कोई ऐसी चीज जो आप समझती हैं कि वो बीच में रुकावट बनकर आई मेरे काम में? देखिए, एक तो मुझे माहौल अफसाना लिखने का तो खैर बहुत अच्छा मिला। अच्छा, बस मुझे नौकरी रुकावट आई लेकिन वो भी आपने छोड़ दी नहीं छोड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा बागियाना जहन है मगर कॉम्प्रोमाइज के साथ। Okay. कॉम्प्रोमाइज करती हूँ मगर है थोड़ा सा, जो अपनी करनी होती है वो कर रही होती हूँ मैं। सही, जो आपको एटलीस्ट समझ में आ रही है बात, आपने उस पे फोकस रखा हुआ है। जी, मेरा फोकस उसी पे होता है। ठीक। और वैसे शुरू में जब मेरे असल में हुआ ये कि किताब तो मेरी बाद में आई है, लिखते मैं 15-20 साल से रही हूँ। ये भी हैरानपुर बात है ना। मसला ये है कि हमारे यहाँ हम इदारों पर इल्ज़ाम देते हैं कि जी फलां इदारे ने हमारी किताब नहीं छपाई, ठीक है ना, तो ऐसा मेरे साथ नहीं है। अच्छा, मेरा पहले रुझान नहीं था, मैं सिर्फ कहानियां जमा कर रही थी। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आपने पहला जो अफसाना लिखा वो तो आपकी स्कूल के टाइमिंग में था और उस वक्त वो इधर उधर भी हो गया। वो उसको सेकंड इनाम भी मिला था, वो पता नहीं कहाँ हो गया। वो क्या टॉपिक था? वो टॉपिक बड़ा मजेदार था, वो टॉपिक था वो शायद उस जमाने में मेरा ख्याल है वॉर हुई होगी 65 की या 71 की, मुझे इतना याद नहीं, मगर वॉर के बाद का अफसाना था कि वो शहीद हो गया है, हीरो जो है और पैट्रियोटिक शादी हो गई है, फिर वो अचानक वो आ गया। अब उस तरह की कहानियां बहुत ज्यादा बन रही है। ये तो है। तो उसके बाद अगर आपका देखा जाए जो आपने सबसे पहला अफसाना जो कौन सा ऐसा लिखा जो हाईलाइटेड हुआ जिसके बाद आपने फिर उसका सिलसिला आगे लेकर चली? कड़वा घूट मेरा ऐसा एक अफसाना है। अच्छा, जो हमारे माशरत में छूता है उसको, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80% हमारे यहाँ मियाँ बीवी इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा बहुत करीब से तजर्बा भी है ये, और मुशाहिदा बहुत ज़्यादा, तज़िया बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे। सही, आप पढ़ेंगी, आपको मैंने बुक दी है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल, हाँ, मेरे पास भी। जी, ये तो आपने धूप ख्वाब दी है? नहीं, धूप में जलते ख्वाब, धूप में जलते अफसाना जो है वो कड़वा घूट। अच्छा, ओके, ये मुझे जो है किताब गिफ्ट मिली है अफसाना निगार की नगमाना जी की तरफ से, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली गिफ्ट, और मैं ज़रूर मुताला करूँगी इसका। तो वो ज़्यादा मशहूर हुआ, वो इंडिया में भी छपा। अच्छा, और यहाँ पर भी अक्सर अदबी महाफिल में जब कहा जाता है फरमाइशी प्रोग्राम उसी अफसाने का होता है। अच्छा 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 अच्छा, और ये मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के ऊपर है? जी, जो कि ढका छुपा होता है। देखिए, मेरे अफसाने में वो चीज़ें जो ढकी छुपी हैं और नजर नहीं आ रही किसी को। अच्छा, और आपको पढ़ने से अंदाजा होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? जी, आप पढ़ेंगी जब, मुझे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या लिखा रहा हूं, क्या लिखना चाह रही है। ओके, अच्छा, अगर अदब के हवाले से अगर आज के दौर की बात करूं कि आपको लगता है कि जो आजकल काम हो रहा है या जिस जगह जा रहा है हमारा अदब, वो बिल्कुल ठीक जगह है या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है? देखिए, अदब तो ठीक तरह जा रहा है, सही बताऊं, लिखने वाले लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख रहे। हाँ, शायरी की तरफ रुझान मैं देख रही हूँ ज़्यादा है, कम से कम अगर मैं कराची के हवाले से बात करूँ। अच्छा, उर्दू पंजाब साइड से ज़्यादा उभरती है, तो कराची के हवाले से अगर मैं देखूँ तो वहाँ शायरी बहुत है। जैसे मेरी ये बुक, जैसे शायरी की 4 बुक आई हैं, उसमें एक मेरी किताब आ गई इस तरह का है। अच्छा, तो कहीं किताब भी नहीं रुकी, कहीं पढ़ने वाला भी नहीं रुका। हाँ, ये अलग बात है कि वो सुनाने खड़े हुए तो मोबाइल ले लिया और वो ये। लेकिन अक्सर मैं लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ जो जाहिर है आपके ही प्रोफेशन से रिलेट करते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, या अगर हम देखें कि लोग लिखते बहुत अच्छा हैं, आजकल के यंगस्टर्स भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन सीखने का वो अंदाज नहीं रहा या इंटरेस्ट आपका वो डेवलप नहीं हो पाता, या अगर हो भी जाए तो आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो आपको आगे पुश करे कि हाँ जी मंजरे आम पर आप लोगों के आए। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा है, मगर मैं खुश नसीब हूँ इस मामले में। चले, यू आर ब्लेस्ड देन। मैं बहुत खुश नसीब इस मामले कि मुझे माहौल भी अच्छा मिला और मुझे आगे भी प्रमोट किया लोगों ने। सबसे पहला अफसाना मेरा, जैसे मैंने आपसे बताया कि अदबी रिसाला है सीप, तो उसका वाक्य अगर आप कहें तो जी जरूर प्लीज। तो बड़े बहुत नामवर हैं हमारे नसीम दुरानी साहब, सीप के एडिटर हैं, वो अदबी रिसाला है और वो बड़ा अभी तक बहुत उसमें हैं, मतलब क्या कहूँ, पावर में है कुछ भी कि उसमें छपने वाले जो भी छप जाए उसमें मुसन्निफ, उसकी बड़ी बात हो जाती है। सही। तो मैं ऐसे एक दफ़ा आर्ट्स काउंसिल में हम बात कर रहे थे, मैं
कह रही थी नगमो नजर का प्रोग्राम हो रहा था और मैं कह रही थी यार कौन नए लिखने वालों को लेता है, तो पीछे बैठे हुए थे नसीम दुरानी साहब, उन्होंने सुना, उन्होंने एक छोटे बच्चे को मेरे पास भेजा कहीं खातून को बुला के लाओ, मैं उसका खातून नहीं थी उसका लड़की थी, तो उनको बुला के लाओ, तो मैं डर गई उनसे, मैंने कहा जी सर कह लें आप क्या कह रही थी, मैंने कहा मैं ये कह रही थी कि नए लिखने वालों को तो मतलब तरले करने पड़ते ना, नहीं लिख कोई आगे बढ़ाता, कह लेंगे आप अपना अफसाना भेज दें मुझे। अच्छा, अब यकीन करें अब आपको पता भी नहीं होगा ना कि यहाँ आपकी टर्निंग पॉइंट है। हाँ, टर्निंग पॉइंट मुझे, मैंने वही कड़वा गुड़ भेजा उन्होंने छापा। अच्छा, मैंने कहा आप मेरे अफसाने तो शायद माशरे में नहीं चलेंगे, तो उन्होंने कहा भेजे तो सही, तो फिर उन्होंने पहले वो अफसाना छापा, उसके बाद जैसे मतलब रेल चल गई वो छापते चले गए, फिर मेरी पहचान होती चली गई। अगर मैं ये कहूँगी मेरे इस सिलसिले में उन्होंने बहुत गाइड किया, और हमारा जो आर्ट्स काउंसिल का माहौल है वो बड़ा अदबी है। बिल्कुल, मैं वही उसी पे आने वाली थी, क्योंकि ज़ाहिर है आप कराची से बिलोंग करती हैं और कराची में आर्ट काउंसिल का एक बहुत बड़ा दर्जा है जो अदब को और आपके डिफरेंट आर्ट्स को प्रमोट कर रहा होता है। तो आपका नज़रिया आजकल क्या है कि किस तरह से उनका काम चल रहा है और वो किस तरह से फोकस कर रहे हैं अदब को प्रमोट करने के लिए? देखिए, हमारे अव्वल तो अहमद शाह साहब हैं जो सतार इम्तियाज भी हैं, तो वो खुद बहुत नज़र रखते हैं ख़ास तौर पे उर्दू के हवाले से, नसर पे अभी एक प्रोग्राम और करने वाले हैं, वो बजाते ख़ुद दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा। टीम तो है, टीम तो होती है, मगर वो ख़ुद इस पे बड़ा काम करते हैं। हमारे आलमी कॉन्फ्रेंस होती है, उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर है जी, और वो बड़ी मज़ेदार होती है, उसमें उर्दू का कोई शोबा नहीं रहने देते वो, यानी कि अफसाने से लेके नॉवेल, जर्नलिस्ट मतलब और शायरी और जितने भी शोबे उर्दू के हो जाते हैं, तो वो उस हवाले से मुझे माहौल भी मिला। और शाह साहब के साथ काम करने का ये है कि वो सबको, मेरे ख्याल वो आगे लागन लाने वालों में से हैं, और उन्होंने आर्ट्स काउंसिल को बहुत रौनक बख्शी है। हमारे पास जो लोग बैठते हैं वहाँ पे जी, तकरीबन सारे अदबी होते हैं, हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे होते exactly. हैं, बड़ा सा माहौल है हमारे वहाँ का। वाह वाह। और ये शाह साहब की मैं कहूँगी कि उनकी बड़ी बात है कि उन्होंने सबको संभाला हुआ, माहौल बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है। बिल्कुल, वाकई एक आपका जो हेड होता है ना, हेड ऑफ फैमिली, उसका बड़ा एक जिम्मेदार रोल होता है कि अगर वो सही कदम उठा लेगा, सही डिसीजन ले लेगा, तो पूरी फैमिली उसके साथ जो है वो। अब जैसे अदबी जो है वहाँ का शोभा, उसमें मैं वहाँ की मेम्बर हूँ जी जी, तो जो कुछ ऐसा काम होता है कुछ होता है तो अच्छा, हम साथ मिलकर क्या बात, टीम तो होती है, मगर ये कि अच्छा लग रहा होता है कि अदब। मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं नसर के लिए कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि कम से कम मैं जाऊँ तो कम से कम लोग याद तो कर ले आगे खातून ने नगमाना ने कुछ काम किया था। नहीं नहीं, माशाल्लाह से आपका वाकई जितना अब तक का काम है, सफ़र है आपका पूरा, वो तो इट्स रियली मार्वलस। मैं ज़रूर चाहूँगी नगमाना जी कि आप आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको कोई एक ऐसा मैसेज दें जो इस फील्ड में कदम भी रखना चाहती है, जो जिनका शौक़ है इस तरह का लेकिन उनको ज़राए नहीं मिल पाते, तो वो किस तरह से अपने आप को जो है वो कमतर ना समझें और डिसहार्ट ना हो कि जी हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा या हम किस तरह से लोगों के सामने अपना काम लेकर आएं, तो ज़रा उनको कोई एक मैसेज आप दें। मैं उनको यही कहूँगी, देखिए मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लड़कियाँ लिखना चाहती हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, यहाँ भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं यहाँ आती रहती हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ जी, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर भी यंग एज लड़कियाँ लिखना चाहती हैं, मगर एक तो पढ़ाई का बहुत जोर होता है, पढ़ लो फिर बाद में जो करना है। अब वो बात कहाँ आती है, बाद में तो बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, शादी से लड़कियों के लिए तो यही होता है ना, तो वो बाजों का तो हस्बैंड जो होते हैं वही साथ नहीं दे रहे होते, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर वो ऐसा एक माहौल सा होता है कि वो अगर लिखा हुआ भी है उन्होंने तो छपने नहीं देते। यानी आज भी अगर हम मैं देखूँ, देखिए फिर बात वहीं आ जाती है, मैंने चीज़ उसी को वॉच किया ना, कि आज भी अगर मैं देखूँ तो जिस ज़माने में औरतें लड़कों के नाम से लिखती थीं, शायद वही ज़माना है कि आज भी जो अच्छे घराने के लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटियाँ किसी रिसाले में अपने नाम से छप जाएँ। मैंने देखा ये चीज़। ये बात तो आपने कही कि अपना नाम आगे लेकर जाना लोगों को होता है, अक्सर लड़कियां नाम बदल कर जो है वो लिख रही होती हैं। वही तो अगर हम देखें तो पीछे चले गए हम तो, बजाय आगे जाने के। वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की देर है। सही, क्योंकि जाहिर है कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ, अच्छा हमारे, सॉरी मैं बार बार हमारे यहाँ कह रही हूँ, हालांकि पाकिस्तान सारा हमारा है जी, और हमारे घर का अरबाब ज़ौक भी है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो नए लिखने वाले हैं, बिल्कुल नए, यकीन करें उनको शायद पढ़ना भी, जैसे उर्दू वो लिख लेते हैं
तो वो शर्मा जाते हैं, तो हम लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो इस सिलसिले में फिर वही आर्ट्स काउंसिल आ जाता है जी। ये हमारा जो आर्ट्स काउंसिल है हमारा, उसने हम लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है। आप बहुत ज़्यादा बहुत मतलब एक ऐसी चीज़ को आप सामने लेकर आ सकते हैं जिसमें आप डर रहे होते हैं, आपको खौफ होता है कि जी लोग क्या कहेंगे। हाँ, ऐसा कोई खौफ नहीं, यानी कि अगर मैं कोई बहुत बड़ी सारा निगार नहीं हूँ, मैंने अगर कोई मुझसे कह रहा है कि ज़रा देख लीजिए, तो उसमें हम लोगों को ऐसा नहीं होता, हम उसको बता देते हैं कि ये लाइन यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, ये मरकजी ख्याल जो था उसे टच नहीं कर रहा, तो हम मदद कर देते हैं। अच्छा, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं ऐसा कोई काम करूँ। नहीं, दैट्स रियली ग्रेट। और जिस तरह से आप ब्लेस्ड हैं, आप लकी रही हमेशा कि आपको इस तरह के लोग मिले जो इर्द गिर्द आपके थे, जिन्होंने आपको हमेशा बड़ा अच्छा गाइड किया, आपको सिखाया, और आज इस मुकाम पे आप हैं, वो जाहिर है आपके उन्हीं लोगों की मेहरबानी की वजह से है। और आज भी मैं यही चाहूँगी कि जितने भी नौजवान नस्ल है, जितने भी यंगस्टर्स हैं और इस अदब को फ़रोग देना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपना काम करना चाहते हैं, तो उनको भी इसी तरीके से लोग मिलें, उनको गाइडेंस मिले और इनक्रेजमेंट ज़रूर मिले, ताकि छोटी सी दाद भी आपको बड़ा आगे पहुंचा सकती है। आपकी एक बात काट रही हूं मैं, जी जी, नहीं नहीं ठीक है, कि हमारे यहाँ जो मेरा ख्याल है, शायद अगर लड़कियां तो लिख के रख देती होंगी, चले फिर किसी वक्त हिम्मत होगी तो कहीं फेसबुक पे डाल दे, कुछ कर दिया, वो भी इजाजत नहीं होती, नाम बदल के करती, मगर मैंने देखा कि लिखने वाले लड़के भी हैं, मतलब वो बहुत शायर होते हैं, वो नहीं आते, वो छुपा लेते हैं अपने अफसाने या शायरी, तो उनको चाहिए लड़कों को या लड़कियों को, मतलब आए, हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो तनकीद के डर से छुपा लेते होंगे कि उन पे तनकीद की जाएगी, उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो समझा, जब तक तो दुश्मन ना हो मजा कैसे आएगा। ये भी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ट्रू, सो ट्रू। बिल्कुल जी, दुश्मन ही आपको ताकत देते हैं, आप इस चीज को समझें। बिल्कुल ना, आपके सामने आपको दुश्मन कर रहा है, आपको आपको तनकीद कर रहा है कि आपने सही नहीं किया, तो चलो सही नहीं किया, आप सही कर देते हैं, आप सही कर देते हैं एक बात की। हाँ। अच्छा, शायरी में भी यही होना चाहिए, जबकि शायरी में ऐसा नहीं हो रहा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अच्छा। वो अच्छी शायरी हो रही है, हर जगह अच्छी शायरी हो रही है, मगर अफसाना लिखना जो है ना, वो तो तनकीद के लिए रखा रहता है। और कुछ लोगों की ना नेचर होती है कि वो नुक्ते निकालते हैं, बिल्कुल छोटी सी छोटी बात को भी देखेंगे गहराई में जाने के लिए, वो देखेंगे कि इसमें क्या गलत है। हाँ, वो एक आधा मुझे ऐसा हो चुका है कि जब मैंने एक अफसाना पढ़ा, आप भी पढ़िएगा, तन्हाई, जी जी, तो एक साहब उठे, उन्होंने कहा कि उसमें आपने ये तो मेंशन किया नहीं कि वो कौन खातून थी, मतलब मैं पूरा खानदान लेके चलूं। तो मैंने कहा मैं कोई फिल्म थोड़ी बना रही हूँ। तो और दूसरी बात है कि ये अफसाने जो हैं, वो होता ये कि हमें मेंशन करना होता है कि माशरे में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं वो नहीं लिख रही, खबरें नहीं लिख रही। लिखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, कोई किसी कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देकर चलता है, कोई पूरा मुआशरा साथ लेकर चल रहा होता है, किस कोई टॉपिक के हवाले से बात कर रहा होता है, तो सबका एक मुख्तलिफ अंदाज है लिखने का। बात करें, और हर एक लिखारी की ख्वाहिश यही होती है कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जी, उसको मेंशन कर दें। बिल्कुल, इससे ज्यादा मतलब सिपाही वही है, सिपाही वहाँ भी खड़े हैं, सिपाही यहाँ भी। हाँ। हम भी एक तरह से देखा जाए तो ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नगमानी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करके। नहीं जी, वाकई मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और ये जितने भी आपके थॉट्स हैं, ये अल्लाह करे कि सारे लोगों के अंदर पॉजिटिव हो जाए, तो लिखने वाले लोग जो है सरेआम पर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितना टैलेंट मौजूद है। आप किसी से घबराए नहीं, डरे नहीं, बस अगर आपका दिल करता है, जो आपका पेन जिस तरह से चलता है, आप वैसे ही लिखें, किसी से डरने की और घबराने की आपको ज़रूरत नहीं। डायरी की तरह लिख लें। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, जो डायरी की तरह लिख लें। हाँ, लोगों की जैसे आदत होती है कि अपनी डायरी नॉर्मल आम डेली लाइफ में क्या चल रहा है वो लिख रहे हैं, आप उसी तरीके से लिखना शुरू कर दें, कभी तो कोई पढ़ेगा और उस चीज को समझेगा, रियलाइज करेगा, समझ जाएंगे कि ये मैं जो लिख बात होगा, पता है कि सॉरी आपका वो कर रही हूं। जी जी, मतलब हम डायरी लिख रहे हैं ना, होते ना, तो उस डायरी में से जब हम बाद में पढ़ते हैं, यकीन करें हम दूसरे तीसरे दिन भी पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, अच्छा ये हमने भी करा, ये बिल्कुल, लफ्ज भी आपको हो रहे होते हैं कि जी ये भी मैंने इस्तेमाल के लिए भी किया। अफसानों को भी पढ़ती हूँ तो मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ, इंसानी फितरत है। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।